करते हैं, उनको ये बताऊँगा कि हम अगर आप कुछ अगर कोशिश करें तो अच्छे अच्छे कंटेंट बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे लैंग्वेज की, क्योंकि अगर आप कोई अच्छी चीज़ किसी भी बंदे के साथ शेयर करते हैं अपने डेली लाइफ में और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, तो इधर भी अगर आप किसी को आपके सामने लेकर आओ और अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुन्नी परदेसी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज मुन्नी परदेसी व्लॉग। स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। आज की वीडियो जो है कि वो इन्फॉर्मेटिव है, और इससे पहले अगर आप अभी तक चैनल पर न्यू हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो चलते हैं आगे की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो यूट्यूब के ही रिलेटेड है और जो है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सबसे पहले जैसा कि आप सब हजरात जानते हैं, मैंने यूट्यूब चैनल जो है कि ये लास्ट मंथ ही क्रिएट किया है और तकरीबन 7th of March जो है कि फर्स्ट वीडियो जो है कि मैंने अपने चैनल पे जो है कि अपलोड की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही देखते मेरे सब्सक्राइबर की जो है कि तादाद डेली बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मैंने बहुत ही थोड़े टाइम में बहुत ही जो है कि ज़्यादा अचीवमेंट की है बाकी बहुत सारे यूट्यूबर की निस्बत। तो इसके पीछे जो है कि जो रीज़न्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा आज, और दूसरी बात यह है कि मैंने YouTube चैनल जो है कि इसको क्रिएट क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या है। तो सबसे पहले जो है कि वाई आई क्रिएटेड YouTube चैनल, मैंने YouTube चैनल को क्यों क्रिएट किया, क्या वजह थी, तो ये मैं आपको बता दूं। मुझे शौक़ था इस चीज़ का, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था, कभी रिसर्च नहीं की, कभी देखा नहीं कि असल में ये चीज़ क्या है। लोगों की वीडियोस देखते थे, कोई फ़नी होती थी, कोई इन्फॉर्मेटिव होती थी, सब चीज़ें देखते थे, लेकिन कभी इस चीज़ पे नहीं गौर किया कि हम भी ये कर सकते हैं, अगर मैं भी ट्राई करूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। तो एक दिन एक छोटा सा बच्चा है गिलगित बल्तिस्तान का, पाकिस्तान की पहचान है, अभी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से उसकी मुलाकात हुई है, उससे पहले ये शान रमज़ान की ट्रांसमिशन चलती है उसके अंदर उसका बड़ा रोल रहा है, और अभी आगे भी वो बंदा जो है कि उसका फ्यूचर जो है ना वो तकरीबन सिक्योर कर चुका है। तो उस छोटे बच्चे की मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस वजह से मेरे अंदर भी जज्बा आया कि यार मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी करना चाहिए। तो वो जो छोटा बच्चा है शिराजी विलेज व्लॉग के नाम से उसका जो है कि यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज जो है कि वो भी इसी तरह से है, फिर उसकी एक छोटी सी सिस्टर भी है, बड़ी क्यूट सी, बहुत ही अच्छी बच्ची है, और मैं उस छोटे बच्चे से जो है कि इम्प्रेस हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो यार मैं भी जो है कि अपना जो है कि चैनल वगैरह इसको भी बना लेता हूँ, वो देखते हैं, इंजॉय करते हैं और लोगों के साथ अच्छी से अच्छी जो है कि वीडियो शेयर करेंगे और अच्छा कंटेंट बनाने की जो है कि कोशिश करेंगे। तो मैंने भी ट्राई किया जनाब, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टेप बाई स्टेप जो है कि मेरे जो व्यूअर्स थे, जो सब्सक्राइबर थे, वो बढ़ते चले गए, अभी तकरीबन 1500 तक पहुँच चुके हैं, 1500, और मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने फिर बाकी के यूट्यूबर से डिस्कस किया ये चीज़, और मेरे अपने कुछ दोस्त इस फील्ड में उनसे डिस्कस किया, किसी के दो दो चैनल हैं, किसी के तीन तीन चैनल हैं, तो वो मुझे कह रहे थे भी यार आपकी जो व्यूअर्स की रेशियो है वो बहुत अच्छी है, इतने कम टाइम में आप इतने अच्छे जो है कि आपको व्यूअर्स मिल रहे हैं और काफ़ी हद तक आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, तो आप मेहनत करते रहें, अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो आप बहुत आगे चले जाएंगे। तो शिराज जो बच्चा है जिसकी वजह से जो है कि मैंने अपना चैनल बनाया था या क्रिएट किया था, मैं सबसे पहले तो उसको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है 6 साल का, पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया हुआ है, और आजकल तो पाकिस्तान की पहचान ही उस बच्चे के नाम से है। तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल वाह वाह बहुत ही हाई लेवल का है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, यूनिक किस्म के जो है कि उसके व्लॉग्स होते हैं, और उस चीज़ ने मुझे जो है कि उबारा था, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि मैं अपने मकसद में अपने आप को जो है कि किसी मकाम पर पहुंचाने के लिए जो है कि कोशिश कर रहा हूँ। इसका सारा क्रेडिट जो है कि वो छोटे शिराज को जाता है। इंशाल्लाह मैं जब पाकिस्तान में होऊंगा तो कोशिश करूँगा उससे मुलाकात भी करूँगा। तो ये वो वाहिद बच्चा है जिसने मुझे इम्प्रेस किया, बाकी भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में, मैं तो बहुत सारों को जानता नहीं हूँ, दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं,
और मैं जो है कि इस चीज़ में पहले मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, अभी स्लोली स्लोली जो है कि इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया। तो जो है कि मैं भी अभी जो है कि डेली बेसिस पे जो है कि सर्च करता हूँ कि फलां बंदा क्या कर रहा है, फलां बंदा क्या कर रहा है, फलां बंदा क्या कर रहा है। कोई भी पॉजिटिव चीज़, कोई भी मस्बत पॉइंट किसी भी बंदे का, किसी भी यूट्यूबर्स का या किसी भी आला पर्सनैलिटी का जो है कि मुझे मिलता है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो यतीम है, चाहे वो मिस्कीन है, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो आपको कोई अच्छी चीज़ दे रहा है, आप जो है कि उससे ले लें। और जो है कि इल्म की ये ताकत है, आप कहीं से किसी भी ज़िंदगी के मोड़ पर आप किसी भी बंदे से हासिल कर सकते हैं। तो YouTube में जो मेरे उस्ताद है वो जनाब शिराज साहब है। और कुछ लोग पूछते हैं भाई यार इसको कोई एडवांटेज है या आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर वो लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनको ये बताऊंगा कि हम अगर या आप लोग अगर कोशिश कर रहे हैं तो अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। क्योंकि अगर आप कोई अच्छी चीज़ किसी भी बंदे के साथ शेयर करते हैं अपनी डेली लाइफ में और वो आपको अप्रिशिएट करता है, ठीक है, तो इधर भी अगर आप किसी को अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं ऑफकोर्स वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। जो है कि इससे आपके जो है कि जज्बा बढ़ता है थोड़ा सा और आप उससे पहले से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप YouTube पर बेहतर करने की कोशिश करेंगे दिन ब दिन आपका एक लेवल है जो वो इंक्रीज होता जाएगा लेवल, और जब आपका लेवल इंक्रीज होगा ऑफकोर्स आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और इसका एडवांटेज ये है कि आपकी अच्छी खासी अर्निंग्स हो सकती है। वो जो छोटा बच्चा है शिराज, वो मंथली बेसिस पे 40-45 लाख पाकिस्तानी रुपी जो है कि उसकी इनकम है। और सबसे जो उससे भी ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे इम्प्रेस किया है कि वो अपने इलाके के गरीब यतीम मिस्कीन जो मोहताज लोग हैं उनकी हेल्प कर रहा है। वो पैसा अपने ऊपर नहीं बल्कि अपने इलाके के लोगों के ऊपर लगा रहा है। और जो है कि मैं तो उसको विजन को सलाम करता हूँ कि इतना छोटा सा बच्चा, 6-7 साल उसकी एज है, और अल्लाह पाक ने जो है कि उसको ऐसे समझे को एक हीरा है, अल्लाह पाक की नेमत है, हम लोगों को उसकी कदर करना चाहिए। और पाकिस्तान में ऐसे लोग ढूंढने से नहीं मिलते, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तानी। तो आपको भी प्राउड होना चाहिए कि आप पाकिस्तान से हैं। जो है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं लेकिन उनके अंदर जब आप जो है कि राह के अंदर हाथ मारते हैं तो आपको हीरे मिलते हैं इसी तरह के। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप YouTube पे चैनल आपने बना लिया तो आप क्या करें उस YouTube चैनल को, आप किस तरह से मतलब आप उसका अपना लेवल इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने जो आपका YouTube चैनल है उसकी वैल्यू किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जब आप जहाँ तक मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे डेली बेस पे जो परफॉर्मेंस है आप लोगों के सामने है, मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि हर रोज़ डेली बेसिस पे कोई ना कोई जो है कि नई चीज़ आपके सामने लेकर आऊँ और अच्छा से अच्छा जो है कि कंटेंट आपके सामने लेकर आऊँ। मैंने जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया में जो है कि मुलव्वस हैं और उनका जो है कि रोज़गार ही सोशल मीडिया की वजह से चल रहा है, तो मैंने उन सब को, उन सब की एक जो पॉइंट है, सब जो एग्री करते हैं वो यही है कि अगर आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप जो है कि बहुत आगे तक जा सकते हैं, ठीक है, आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देखना जी, हर बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है, बच्चे के पास मोबाइल है, ठीक है, तो आप देखें हर बंदा मोबाइल पर टाइम स्पेंड कर डेली बेसिस पे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 घंटे हर बंदा जो है मोबाइल पर टाइम स्पेंड करता है। शायद मैं 4-5 घंटे ज़्यादा कह रहा हूँ, 2-3 घंटे कह रहा हूँ, ठीक है, हर बंदा। तो वो फेसबुक पर भी टाइम स्पेंड करता है, यूट्यूब पर भी टाइम स्पेंड करता है, वो टिकटॉक पर भी टाइम स्पेंड करता है, ठीक है ना जी। जब आपकी कोई अच्छी चीज़, अच्छी बनाई हुई चीज़ उन लोगों के सामने जाएगी, वो लोग आपकी वीडियो को टाइम देंगे, वो लोग आपके अल्फाज की कदर करेंगे, वो लोग आपको वैल्यू देंगे। जब वो लोग आपको वैल्यू देंगे ऑटोमेटिकली, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, वो आपको वैल्यू देगी और वो वैल्यू भी देगी आपके जो है कि लोगों में आप फेमस भी होंगे और इसके अलावा जो है कि आपकी ठीक ठाक इनकम भी होगी। तो आप अगर अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर इट,
इसके लिए बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें क्या ज़रूरत हैं, सबसे पहले जो है कि आपका टाइम, ठीक है। दूसरा आपकी पॉजिटिव सोच। टाइम इसलिए ज़रूरी है, आप सोचते हैं, आपको एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कुछ ना कुछ अच्छा करने की। देखें ना, अगर मिसाल के तौर पे कहीं कुछ बुरा हो रहा है, आप वहाँ पर जाके नहीं रो सकते, आपके पास कम से कम इतनी पावर तो है, आप सोशल मीडिया पे अपना बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं, वहाँ के लिए वहाँ के लोगों तक आपका पैगाम पहुँच सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपके अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा लें, ठीक है, आपके मोहल्ले में कई गरीब लोग होंगे, कई मोहताज लोग होंगे, ठीक है, अगर आप खुद उनकी हेल्प नहीं कर सकते, मतलब आप उनको कोई उनको पैसों की ज़रूरत है, आप उनको पैसे नहीं दे सकते, खाने की ज़रूरत है खाना नहीं दे सकते, राशन की ज़रूरत है राशन नहीं दे सकते, कम से कम आप उनके हक में आवाज़ तो उठा सकते हैं। जब आप आवाज़ उठाएंगे, आपकी आवाज़ पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पर सर्कुलेट करेगी, घूमेंगी, लोगों तक जाएगी आपकी आवाज़, तो उनमें से शायद ही कोई होगा कि वो आके आपके मोहल्ले के या आपके इलाके के या आपके जो है कि डिवीजन प्रोविंस इसमें आके जो है कि उन लोगों की जो है कि वो हेल्प करेंगे, या आपने कोई भी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचानी है। सोशल मीडिया का दौर है भाई, आपने अभी वीडियो रिकॉर्ड की है, 5 मिनट बाद जो है कि आग की तरह वो वीडियो फैल जाती है, ठीक है। तो आप कोशिश करें अपने इर्द गिर्द नज़र डालें, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी हेल्प करने की इस नीयत से काम करें कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है कि ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप बहुत ही आगे तक जाएंगे, ठीक है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, आपका टाइम, आपकी मस्बत सोच। अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। मेरे देखें, मेरे अभी तक 1500 सब्सक्राइबर नहीं हुए, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि जब से मैंने YouTube को यूज़ करना शुरू किया, ठीक है, या Facebook पर भी मेरा पेज है, आप लोग देखते हैं, जब से मैंने स्टार्ट किया है उसके बाद से लेकर आज तक मेरा कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। रमज़ान शरीफ का महीना था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त गुजर गया, और उसमें मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, मैंने कोशिश की है हर डेली बेसिस पे, एवरी डे, कभी दो आई हैं, कभी एक आई है, कभी दो आई हैं, कभी एक आई है, वीडियो अपलोड की आपके सामने। और एक और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो ये रिक्वेस्ट है कि मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई गलती करता हूँ, मुझसे कोई मिस्टेक होती है, मेरे अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं है, या मैं कोई किसी को जो है कि किसी के ऊपर खा बखा से जो है कि कोई चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है, या किसी को जो है कि नीचे दिखा रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, मैं इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, ठीक है। YouTube चैनल तो बन गया, उसके बाद की जो चीज़ें हैं, मेहनत है, जो भी है, मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ में, ठीक है, मुझे बहुत खुशी होती है यार, मैंने चलो कोई ना कोई ज़िंदगी में कोई एक काम तो अच्छा किया। अब मेरी आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मुझसे बेहतर काम लें, इंसानियत जो है ना, इंसानियत, उसकी हेल्प करने की तौफीक दें, इंसानों की मदद करने की तौफीक दें। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गुनहगार हूँ, ठीक है, और जब मैं भी कोई अच्छा काम करूँगा, आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, तो मेरे लिए मेरे तो सर फखर से बुलंद हो जाएगा, तो मैं भी यही चाहता हूँ। तो मेरे नज़दीक अगर आप इन चीज़ों को पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं, प्लस प्लस पॉइंट आपकी, देखें ना, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी, लोगों तक आप अच्छी इन्फॉर्मेशन जब लेके जाएंगे, ठीक है। और मेरा असल में जो चैनल बनाने का मकसद वो ये है कि एंटरटेनमेंट, ठीक है, कि मैं लोगों को एंटरटेन कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा, किसी को हंसा देना, किसी को खुश कर देना, ये भी सत्य है, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भरपूर मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जहाँ पे मैं गलत हूँ आप लोग जो है कि मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, मुझे बताएं भाई ये चीज़ लेकर आएँ, ये चीज़ लेकर आएँ, मैं इंशाल्लाह डेली बेस पे जो है कि आपके साथ अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ, आपने ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ देखी होंगी, जो फॉरनर लोग या हमारे पाकिस्तान के लोग इधर दुबई में या चाइना में या किसी भी कंट्री में जो है कि जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, आपके सामने वो लेके आता हूँ।
तो ये थी आज की वीडियो, मैंने आपके साथ अपना जो है कि एक्सपीरियंस यूट्यूब के हवाले से जो है कि आपके साथ शेयर किया। तो अगर आप लोग ये कोई भी बंदा अगर वो ये सोच रहा है कि यूट्यूब पर चैनल बनाकर जो है कि कुछ कर सकता है तो जी आप ज़रूर कर सकते हैं। आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास जो कुछ होता है मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, लेकिन मैं मज़ीद डेली बेस पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने कोई ना कोई अच्छी चीज़ लेकर। अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है आप लोगों को दिखाएंगे, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो दिलो जान से जो है कि मेहनत करें, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको एक दिन कामयाब करेगा और आपकी दुआओं से मुझे भी कामयाब करेगा। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो कल आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह।